वेलकम टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं गेहूं के आटा का मटली बनाने की विधि बताऊंगी जो खाने में टेस्टी है, खासता है। एक बार ट्राई करके देखे बनाकर। चैनल को लाइक करें, चैनल नए हैं सब्सक्राइब करें। 2 कप गेहूं का आटा, 2 चम्मच रिफाइंड तेल मिक्स करेंगे। मिक्स कर लिए हैं। 1/2 कप चीनी डालेंगे। 1/2 चम्मच रिफाइंड तेल और डालेंगे। 1 चम्मच रिफाइंड तेल और डाल दिए हैं। इन सामग्रियों को मिक्स करेंगे। इन सारे सामग्रियों को मिक्स कर लिए हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो बनाएंगे। हमने आटे को गूंद लिया है चीनी के साथ। लोई बनाएंगे। लोई बना लिए हैं। पीला बना के हल्का दबाएंगे। मछली को हमने प्लेट में रख लिया है। लोई बनाएंगे। लोई से मछली बनाएंगे। इसे हल्का दबाएंगे। प्लेट में रखेंगे। इसी तरह सारी मछली बनाएंगे। लोई बना लिए हैं। अब इसे मछली बनाएंगे। हल्का दबा देंगे। मछली को बना के हमने प्लेट में रख लिया है। तेल गर्म हो गया है। मछली को तेल में डालेंगे। मटरी को मीडियम आंच पे पकाएंगे। मटरी को मीडियम आंच में डीप फ्राई करेंगे। मटरी को हिला देंगे बीच बीच में। मछली को पलटेंगे। मछली को उलट पलट कर मीडियम आंच में डीप फ्राई करेंगे और बीच बीच में चला देंगे। मठरी को पलटेंगे। मठरी को दोनों ओर से उलट पलट कर सेक लिए हैं। मठरी पक चुका है। प्लेट में रखेंगे।